दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो लाइनर फिटिंग किस तरह करते हैं। पीछे का जो लाइनर आता है लेलैंड दोस्त का जो लाइनर आता है पीछे का, वो किस तरह फिटिंग किया जाता है और उसको किस तरह सेटिंग किया जाता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जितने भी हमारे कारीगर हेल्पर है उसको मैं, उन लोग को मैं दिखाऊंगा और आप भी देखिए किस तरह हम फिटिंग करते हैं उसको, पीछे के लाइनर को। तो चलिए आइए, समीर जुनेद आ जाओ इधर। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट में और राइट में क्या फ़र्क है ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्या लेफ्ट में लीवर किधर आता है और राइट में ये लीवर किधर आता है। ये जो आप लीवर देख रहे हो ये वाला और ये वाला, ये किधर आता है और किस पोजीशन पे लगता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले सबसे पहले हम राइट का जानते हैं क्योंकि हम राइट का फिटिंग करने वाले हैं। तो देखिए राइट में जो आता है दोस्तों ये लीवर अंदर से आता है, ये लीवर अंदर से आता है और लेफ्ट का जो रहता है वो इस तरह लगता है। ये लेफ्ट का भी अंदर से आता है और लेफ्ट का जब फिटिंग करेंगे मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह हम फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट का फिटिंग करते हैं। इधर ला, इधर आ जा। तो देखिए दोस्तों ये इस तरह आता है। सबसे पहले हम ये पट्टी लगाएंगे लीवर, फिर उसके बाद सेटिंग बोर्ड लगाएंगे। ये इस तरह लगता है, फिर उसके बाद ये बड़ी वाली स्प्रिंग आती है ये लगती है इस तरह। इस तरह लगती है दोस्तों, देख सकते हो, दिखा बराबर दिख रहा है, क्योंकि हमारे दोस्तों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ये स्प्रिंग लगती है छोटी वाली। तो दोस्तों देखो ये स्प्रिंग मैंने फिट कर दिया है, ये पीछे इस तरह स्प्रिंग लगती है, ये पट्टी में फिट होती है। पट्टी में फिट होने के बाद ये लाइनर की पट्टी के अंदर लगता है। तो दोस्तों देखिए पीछे का भाग है बैक साइड का, और ये लाइनर पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी फिटिंग करने के बाद ये स्प्रिंग लगेगा, तो चलिए हम इसको फिटिंग करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये हम लोगों ने पूरा साफ़ सफाई करके पूरा क्लीन कर दिया है, और ये हैंड ब्रेक का लीवर है। तो अभी हम इसके अंदर लाइनर फिटिंग करेंगे। ये इस तरह फिटिंग होता है। ये ऐसा लगता है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो हैंड ब्रेक का लीवर है वो लगाने वाले हैं। पकड़ बता, ये हैंड ब्रेक का लीवर इस तरह लगता है, देख सकते हो। फिर उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे। तो इस तरह से फिटिंग होता है। अभी हम इसको पूरा फिटिंग करके हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो लाइनर फिटिंग हो चुका है राइट साइड का। ये देखिए स्प्रिंग इस तरह लगता है, ये सेटिंग बोर्ड इस तरह लगता है, और ये जो पट्टी है ये इस तरह लगती है, और छोटी स्प्रिंग जो है ये वाली ये इधर से होके पीछे से आती है और यहाँ अटकती है। तो ये लाइनर फिट होता है। और नीचे का स्प्रिंग देख सकते हो, ये नीचे का स्प्रिंग है, ये लगने के बाद ये फिटिंग होता है नीचे का स्प्रिंग ये वाला।
तो ये पूरा लाइनर कंप्लीट हो जाता है, फिटिंग कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो अभी हम इसकी जो लेफ्ट साइड का आता है वो फिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो सेटिंग आती है दोस्तों वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसका सबसे पहले हम इसका सेटिंग करते हैं, जो ये लाइनर हम लोगों ने फिटिंग किए है अभी इसका हम सेटिंग करेंगे, किस तरह सेटिंग की जाती है। तो चलिए हम इसका जो सेटिंग आता है वो करते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। तो इसका सेटिंग पहले सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो ड्रम आता है इसको ड्रम बोलते हैं, देख सकते हो ये ड्रम हम इसके अंदर लगाएंगे, फिर इसका ये ड्रम लगा दिया हम लोगों ने। अभी इसके अंदर कितना प्ले है वो चेक करेंगे। तो इसके अंदर बहुत प्ले है, इतना प्ले रहना नहीं चाहिए। तो अभी हम इसका सेटिंग करेंगे, इतना प्ले है। तो अगर इतना प्ले अगर आप रखोगे तो इसका पावड़ा जो पेडल आता है ब्रेक पेडल वो सही से नहीं लगेगा, और उसके अंदर पेडल अंदर बैठ जाएगा, अंदर घुस जाएगा पेडल इसका ब्रेक पेडल। तो अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। इधर दिखा, तो उसकी सेटिंग आती है दोस्तों। तो अभी हम इसको चढ़ाएंगे। ये इस तरह चढ़ती है, जितना आप चढ़ाओगे उतना ये लाइनर जो रहते हैं वो ऐसा बाहर आते हैं। तो अभी इतना चढ़ा के हम अभी ड्रम फिटिंग करेंगे पीछे ले। तो अभी कितना प्ले है, अभी थोड़ा बहुत है और थोड़ा करेंगे, एक या एक आटा है और चढ़ाएंगे। तो अभी हम ड्रम लगा के चेक करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों इतना हल्का प्ले रहना चाहिए कि ड्रम आसानी से घुस सके। अगर आप ज़्यादा टाइट कर दोगे ड्रम भी नहीं घुसेगा, अगर घुस भी गया तो इसके जो व्हील रहते हैं वो गर्म होएंगे। अगर ज़्यादा गर्म होएंगे तो इसका टायर फटने का प्रॉब्लम आएगा, प्लस इसका जो टायर पंचर होने का प्रॉब्लम आएगा, बेरिंग ख़राब होने का प्रॉब्लम आएगा। तो हमें याद रखना है कि इसका जो सेटिंग रहती है वो एकदम नॉर्मली रखना पड़ता है, जैसे ड्रम आसानी से घुस सके। अगर आप इसको हथौड़ी से ठोक ठोक के अगर इसको बिठाओगे तो इसका लाइनर भी, इसका जो ड्रम आता है वो गर्म होगा, व्हील भी गर्म होगा, और ब्रेक तो लगेगा ही, लेकिन गाड़ी इसका जाम चलेगा, गाड़ी बहुत जाम चलेगी अगर आप इसका प्ले अगर नहीं रखोगे तो। थोड़ा सा प्ले रखना चाहिए, अगर आप ज़्यादा रखोगे तो भी नुकसान है, अगर कम रखोगे तो भी नुकसान है। तो उसका जो साइज़ आती है ड्रम की, जितना प्ले होना चाहिए उतना ही रखना चाहिए, तो परफेक्ट एकदम सेटिंग आएगा। तो चलिए इधर का सेटिंग तो एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी हम इसका जो होल है ये वाला, इसमें स्क्रू लगता है और ये ड्रम में होल आता है, देख सकते हो ये वाला, इसमें स्क्रू लगता है, ये वाला इसमें ऐसा लगता है। तो अभी इसका होल मिला के हम ड्रम फिटिंग करेंगे। तो ये दोस्तों ये स्क्रू हम बाद में लगाएंगे, अभी हम लेफ्ट साइड का फिटिंग करेंगे लाइनर। तो दोस्तों ये है लेफ्ट साइड का, जो देख सकते हो इसका भी जो ख़राब है लाइनर ब्रेक शू। तो अभी हम इसको निकालने वाले हैं, इसको किस तरह निकालते हैं ये भी आप देख लीजिए, ताकि आपको निकालने में और खोलने में, निकालने में, फिटिंग करने में आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इसका जो लॉक आता है ये वाला दिखाई दे, ये वाला लॉक आता है और ये साइड भी लॉक आता है, तो हम उसको निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं देखिए, इस तरह पीछे रखना है और उसको ठोकना है।
ये लॉक निकल गया और ये वाला भी निकालेंगे हम। दिखा इधर, तो दोस्तों ये लॉक निकल गया है। ये आता है खिला, इसको भी निकालना है। पीछे से लगता है, बैक साइड से। तो अभी इसको निकालना है लाइनर को। तो यहाँ से पेचे मारिए तो उसको इधर लौट के निकाल दीजिए। इसको भी इस तरह निकालिए। तो उसके बाद स्प्रिंग निकालना है, इस तरह निकलती है। तो इसको इस तरह काटना है। अब बचेगा ये, तो अभी हम उसको काटने वाले हैं। पकड़ ला। तो दोस्तों ये पकड़ से खींच के निकलता है। इसको ऐसा पीछे खींचिए स्प्रिंग को, उसको ऐसा आगे धक्का मार के इस तरह निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लाइनर निकल गया आसानी से। तो अभी इसको निकालना है। उसको निकाल के सफाई करके, ये भी सफाई करके हम इसको फिटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस लेफ्ट साइड का भी लाइनर किस तरह फिटिंग होता है और उसका सेटिंग किस तरह किया जाता है। तो चलिए हम इसको सफाई करते हैं, उसको निकालते हैं, फिर हम इसको फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी हम इसको साफ़ करेंगे पानी से। ये आपको अगर ऑयल वाला रहेगा तो आपको डीजल से साफ़ करना है, अगर इस तरह आपको सूखा दिखेगा मिट्टी का तो आपको इसको पानी से साफ़ करना है। तो हम इसको पानी से करेंगे। देखिए दोस्तों कितनी धूल निकल रही है, मिट्टी निकल रही है। अभी ये दांत का ब्रश लेंगे, इसको साफ़ करेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा पानी मारेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना चौका हो रहा है, कितना सफाई से हो रहा है। दोस्तों जितना आप सफाई रखोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको ये काटेंगे, हैंड ब्रेक का जो वायर आता है उसके अंदर का जो रहता है वो सही से साफ नहीं हो रहा है। दोस्तों जितना आप साफ़ सफाई रखोगे उतना काम करने में भी आसानी रहता है और मज़ा भी आता है काम करने में और ग्राहक भी खुश होता है। जितना आप चौके रखोगे उतना आपको काम में भी मज़ा आएगा और प्लस ग्राहक भी देख के खुश होगा। तो अभी पानी मारेगा उसको।
इधर दिखा बराबर, ताकि हमारे दोस्तों को दिखना चाहिए बराबर, ऐसा क्रॉस में ऐसा दिखा ना। तो दोस्तों ये पूरा साफ सफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एकदम क्लीन करके देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है, धूल निकल रही है, तो ये आपको साफ करना रहता है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा एकदम क्लीन हो गया है, अभी हम इसको साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम अभी साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करेंगे, फिर एकदम क्लीन करेंगे, फिर हम लाइनर फिटिंग करने की तैयारी करेंगे। तो चलिए हम इसको साफ़ करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें हम ये सेटिंग आती है, देख सकते हो इस तरह आती है, ये घूमता है, ये जितना टाइट होगा उतना लाइनर बाहर आएगा और जितना ढीला होगा उतना लाइनर अंदर जाएगा। तो अभी इसको फ्री करने के लिए, ये तो फ्री है ही, फिर भी हम लोग उसको ऑयल मार देते हैं क्योंकि आगे तकलीफ ना आए। स्मूथली घूमना चाहिए, कपड़ा बता। इसकी जो सेटिंग है उसको कपड़े से साफ़ कर दीजिए, ताकि जो उसकी पट्टी आती है वो ऑयल से सटके ना, ये वाली पट्टी जो आती है वो इसके अंदर ऐसे अटकती है, अगर ऑयल लगा रहेगा तो ये छटक जाएगी, तो इसके लिए हमने उसको साफ़ कर दिया है। तो अभी इसके अंदर डालेंगे, इसकी जो सेटिंग आती है उसको पूरा उतार देना है आपको, फिर आपको उसके अंदर इस तरह लगाना है। फिर ये स्प्रिंग लगाना है दोस्तों, देख सकते हो। ये लग गया है, अब हम इस ये वाली स्प्रिंग बिठाएंगे। अब ये स्प्रिंग किस तरह बैठती है ये तो आपने देख ही लिया है वीडियो में, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो छोटा वाला आता है और ये बड़ा वाला आता है, ये छोटा वाला इसकी पट्टी के अंदर बैठेगा इस तरह, फिर उसको घुमा देना है, घुमाने के बाद पकड़ से इसको बैठाना है।
दोस्तों ये तैयार हो गया है लाइनर सेट, इसका जो भी स्प्रिंग है लग गया है। अभी हम इसको इसके अंदर बैठाएंगे। तो ये जो दोस्तों अब दिख रहा है ये हैंड ब्रेक का केबल, अभी हम इसको इसके अंदर बैठाएंगे। ये लॉक लग गया है इसका, अभी निकलेगा नहीं। तो अभी हम इसको बैठाने वाले हैं पकड़ से। ये इसको पकड़ से ऐसा करना है स्प्रिंग को कि इसको इधर दबाना है। ये दबाने के बाद दोस्तों इसको इस तरह लगाना है, दिख रहा है दोस्तों, इस तरह लगा के आप छोड़ दीजिए। फिर उसको ऐसा घुमाना है, ये बैठ गया है। तो दोस्तों अब ये फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फिटिंग हो गया है। तो उसके बाद फिटिंग होने के बाद मैं उसको सेटिंग दिखाता हूँ आपको, लेफ्ट साइड का सेटिंग भी किस तरह रखना चाहिए और किस तरह उसको करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये ड्रम है, अभी हम इसके अंदर लगाएंगे। अभी इसके अंदर कितना प्ले है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्ले है। तो अभी इसको प्ले ख़त्म करने के लिए इसको क्या करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका जो सेटिंग आता है वो करना है। तो सेटिंग जिस तरह मैंने राइट में करा है उसी तरह आपको करना है, उसको चढ़ाना है। ये जितना चढ़ेगा उतना लाइनर इसका जो आता है ब्रेक शू लाइनर इसका बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो इसका जो प्ले आता है ड्रम में वो कम हो जाएगा। तो अभी हम लगा के इसको चेक करेंगे ड्रम को। तो दोस्तों अभी हम ड्रम लगाएंगे, देखेंगे कितना प्ले ख़त्म हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जाम हो गया है, तो ये हमको लगाना नहीं है क्योंकि अगर इसको अगर ऐसे लगा दोगे तो इसका व्हील जाम हो जाएगा, गर्म होगा। तो इसका सेटिंग वापस हमको एक आटा उतारना है। तो अभी हम इसका सेटिंग उतारेंगे, पट्टी को खींच के नीचे लेना है। तो दोस्तों अभी देखेंगे ड्रम लगा के, तो देखिए कितना आसानी से घुस गया है। अब इसका प्ले भी नहीं है, थोड़ा सा मामूली है, लेकिन ये रहना चाहिए। मैंने आपको उसके पहले भी बताया था जो राइट साइड में हम लोग फिटिंग कर रहे थे, तो ये देख सकते हो। तो इतना प्ले रहना चाहिए कि ड्रम भी आसानी से निकल सके और आसानी से एकदम ये सा इस तरह घुस सके। तो अभी दोस्तों ये जो होल दिख रहा है तो इसको मिलाएंगे हम, ये वाला ड्रम का होल है, तो इसमें मैच करेंगे। ये भी आसानी से लग गया है, देखिए एकदम फ्री है। तो दोस्तों इतना ही था बस आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों ये है हमारा जुनैद, इसको भी हम लोगों ने सिखाया है। तो दोस्तों अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखने के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।